अपनी कारस्थानियों से अभी भी बाज नहीं आई है द्वारिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने देखा कि जैसे ही उसको पता चला द्वारिका को कि अहिल्या ने पहली परीक्षा तो पास कर ली है, पूजा कर दी है शिव जी की, अपने शिव जी की, उसी टाइम सीमा में जो टाइम सीमा मल्हार राव होलकर ने सारे के सारे कंटेस्टेंट्स के लिए रखी थी, यानी कि प्रतियोगियों के लिए रखी थी, तो ये देख के वो वैसे ही बड़ी हैरान होगी। उसके बाद भी उसको हैरानी हुई कि अब उसको एलो भी कर दिया है कि वो ध्वज लेके आए, अब इसके बाद द्वारिका क्या करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती अहिल्या की कामयाबी को देखना। तो चलिए, इसके बाद क्या करने वाली है द्वारिका उस पर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, धन्यवाद। तो दोस्तों, द्वारिका अभी तक वैसी की वैसी ही है, ये 7 साल भी उसने ऐसे ही गुजारे होंगे वो पता चलता है। जैसे ही हम उनको देखते हैं, उनके चेहरे पे जो नेगेटिविटी है वो झलकती है, और दूसरी तरफ अगर हम गौतमा को और अहिल्या को और मल्हार राव होलकर को देखते हैं तो उनके चेहरे से पॉजिटिविटी झलकती है। तो पता चलता है कि ये साल कैसे बीते होंगे दोनों लोगों के। तो यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं, जो नया युवा अध्याय शुरू हुआ है वो एक प्रतियोगिता से ही शुरू होता है। अब जब ये फाइनल हो गया है कि ध्वजा लाने के लिए जो अहिल्या का चयन हो गया है, जो अहिल्या ने परीक्षा पास कर ली है, तो उसके बाद द्वारिका अब क्या करेगी। द्वारिका चैलेंज करती है, वही जो पुरानी चीजें वो करती है, वही करती है मल्हार राव होलकर को कि नहीं हो पाएगा, ये लड़की नहीं कर पाएगी। और मल्हार राव होलकर का जो विश्वास है अहिल्या के ऊपर वो अभी भी वैसे का वैसे कायम है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है वो हमने देखा। तो मल्हार राव होलकर भी कहते हैं कि अगर वो नहीं कर पाई तो मैं अपनी भूल मान लूंगा। तो ये जो नहीं कर पाई मैं अपनी भूल मान लूंगा, इस बात को द्वारिका ने अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये सही मौका है अहिल्या को किसकी नजरों से गिराने का, उसकी नजरों से जिसकी नजरों से कभी वो गिर ही नहीं सकती है, कभी गिरी ही नहीं है। तो मल्हार राव होलकर की नजरों से गिराने का ये उसको लगा कि ये सही मौका है और इससे मैं भूल करवा के ही रहूंगी। और वचन की बात हो जाते कि मैं वचन देता हूं, तो वचन हो गया, तो अब तो इससे ही पता चलता है कि कितना विश्वास है मल्हार राव होलकर को अहिल्या के ऊपर। अब इस विश्वास की धज्जियां उड़ाने के लिए द्वारिका प्लानिंग कर रही है, और प्लानिंग उनकी ये है कि जब ध्वजा लेके अहिल्या आएगी उसके रास्ते में रुकावटें डालना, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करना ताकि वो पहुंच ही ना पाए अपनी सीमा पे, अपनी जगह पे जहां पे उनको ये ध्वज लेके आना है। तो ये है द्वारिका, जो आज भी वही है, वही कारस्थानियां, वही स्कीम्स, वही प्लान्स, वही नेगेटिविटी फैला रही है। आपको कैसा लगा ये जान के, ऐसी द्वारिका को इतने सालों बाद देख के, मतलब जो भी उन्होंने टाइम गैप दिखाया है उसके बाद गेटअप चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, स्टाइल्स बदल गए, मगर अंदर नहीं बदला, अंदर की जो कड़वाहट है वो वैसी की वैसी है बल्कि बढ़ गई है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.